नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नाम ऐलान जहां एक तरफ हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूरी तैयारियां तेज हर एक पार्टी की ओर से की जा रही हैं। बसपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। मछुआ और तमाम ऐसी सीट है जहां पर मंथन लगातार जारी है। वहीं अगर बात मछुआ सीट की करें तो दीपू तिवारी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सार्वजनिक मंच से उनके नाम का ऐलान हो सकता है। तो आज से विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंडल के पदाधिकारी प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे। 18 अगस्त को फूलपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इन कार्यक्रमों के जरिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब किया जाना है और इसके लिए बसपा ने तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मछुआ सीट पर दीपू तिवारी का नाम लगभग तय नजर आ रहा है और इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सार्वजनिक मंच से नाम का ऐलान बसपा की ओर से किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर रस्साकसी लगातार जारी है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं इस बार बसपा भी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में जानकारी जो मिल पा रही है उसके मुताबिक आपको बताते चले कि सार्वजनिक मंच के जरिए बसपा जो कि अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। मंडल के पदाधिकारी प्रत्याशियों के नाम का घोषणा करेंगे और साथ ही साथ मछुआ सीट को लेकर फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि नाम का ऐलान जल्द ही हो सकता है। इसके अलावा 18 अगस्त को फूलपुर में भी नाम का ऐलान हो सकता है, एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। बसपा जो कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। मछुआ सीट पर दीपू तिवारी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सार्वजनिक मंच से उनके नाम का ऐलान हो सकता है। तो आज से विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंडल के पदाधिकारी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं और इस बार बसपा भी इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और इसी कड़ी में जो जानकारी मिल पा रही है कि बसपा जल्द ही अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर सकती है, क्या जानकारी है इस पर पूरी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, उपचुनाव की तैयारियों में ना सिर्फ भाजपा बल्कि समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और बहुत गंभीरता से इस विधानसभा उपचुनाव को लिया जा रहा है क्योंकि 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर ये संग्राम छिड़ना है और एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस इंडिया तो दिखाई देगा ही देगा। लेकिन साथ साथ मायावती ने भी अब जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के लेकर भी जो है वो जल्द करेंगी, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी उसको लेकर उन्होंने तमाम लोगों को जिम्मेदारी भी दी है कि किन किन सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर मायावती का क्या कुछ वोट परसेंटेज है उसकी अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी अब जल्दी मायावती प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। मछुआ सीट की अगर बात की जाए तो वहां से दीपू तिवारी जो है उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दीपू तिवारी का नाम मछुआ सीट से चल रहा है सुर्खियों में, तो उसको लेकर बात जो है निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा सार्वजनिक मंच से अगर बात की जाए तो उनके नाम का ऐलान हो सकता है। कई सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि फिलहाल मायावती स्थिति देख रही है कि 10 सीटें जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है वहां पर मायावती का वोट परसेंटेज क्या रहा है और बीते चुनाव में उनको उस सीट पर कितने वोट मिले थे, वहां से कौन प्रत्याशी था, तो उसको पूरा जो है मंथन करने के बाद मायावती अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। 18 अगस्त को फूलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां पर कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा उसको लेकर ये बात चल रही है कि मछुआ सीट पर, फूलपुर सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है उसके नाम को लेकर मायावती जल्द घोषणा कर सकती है। अगर प्रभारियों की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से 6 सीट ऊपर प्रभारी बना दिए गए हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी अपने सभी सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए हैं जिनको जिम्मेदारी दी है चुनाव की कमान संभालने को लेकर। एनडीए की बात की जाए तो इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है कई सीटों पर। अगर विपक्ष की बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो वहां पर भी कई सीटों पर जो है कई सांसदों ने जिम्मेदारियां संभाली हुई है, चाहे अवधेश प्रसाद की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, तमाम लोगों ने जिम्मेदारियां संभाली हुई है कई सीटों पर। और अगर बसपा की बात
दी है। तो बसपा का भी 18 अगस्त को कार्यक्रम होना है फूलपुर में, जहां पर मझवा सीट पर जो है कौन प्रत्याशी होगा, क्या दीपू तिवारी के नाम पर मोहर लगेगी, इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। जल्द ही मायावती अपनी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी कि आखिर कौन होंगे। मंडल के पदाधिकारियों के प्रत्याशियों के नाम जो है वो कहीं ना कहीं घोषित कर सकती है कि किस मंडल से कौन प्रत्याशी हो सकता है। मंडलवार जो बैठक का दौर की बात की जाए तो वो भी मायावती करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बीते दिनों कई बैठकें की, बैठकों के दौरान उन्होंने लगातार जो है अपनी स्थिति की अगर बात की जाए वोट परसेंटेज को लेकर मंथन कर रही है कि आखिर उनकी किस विधानसभा पे उनको कितना उनका वोट परसेंटेज रहा था, किस कास्ट का कितना वोट है और मायावती का क्या कुछ वोट परसेंटेज वहां पे है। अगर वो वहां से प्रत्याशी उतारती हैं तो क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, तो इसको लेकर पूरा मंथन होगा। मंथन के बाद में कहीं ना कहीं मायावती कई सीटें ऐसी हो सकती हैं जिन पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अगर मझवा सीट की बात की जाए तो वहां से दीपू तिवारी का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है और वहाँ उनके नाम पर मोहर लग सकती है। आज से विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम जो है वो भी तय किए जा रहे हैं, कई अलग अलग विधानसभाओं में क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे उनको लेकर मायावती जो है वो अब सक्रिय नजर आ रही हैं। जो लगातार अगर ट्विटर की बात की जाए तो पहले मायावती के सिर्फ हम ट्वीट के जरिए देखते थे कि वो एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन अब धरातल पर भी हम देख रहे हैं कि वो चुनाव को भी बहुत गंभीरता से ले रही है, लोकसभा उपचुनाव को भी। हालांकि कई बार इसमें देखा है कि मायावती उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारती हैं, लेकिन इस बार जो है वो मायावती प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं और जल्द घोषणा हो सकती है। अगस्त माह की बात की जाए तो अगस्त माह के खत्म होते होते मायावती अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी, और अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से भी जल्दी नामों को लेकर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उन्होंने भी प्रभारी बना दिए हैं अपनी सभी सीटों को लेकर, और अब जल्द ही प्रत्याशी के नाम पर भी अंतिम मोहर लगेगी। जी बिल्कुल, कि अगर जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब जल्द ही हो सकता है, चाहे बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस की, इंडी गठबंधन की बात करते हैं खासतौर पर, इन सब बातों के बीच में इस बार के अगर महामुकाबले की बात करते हैं हम उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव को इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है, साख दांव पर है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे उसे सिद्ध करना है किसी को, तो किसी को उन परिणामों को गलत सिद्ध करना है। ऐसे में बसपा का इतना सक्रिय होना कहीं ना कहीं दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ा सकता है, एनडीए के लिए और इधर इंडिया अलायंस के लिए भी टेंशन बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल, आपको बताते हैं मायावती का कहीं ना कहीं चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने को लेकर ऐलान करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ा सकता है, और विपक्ष की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की अगर, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, सभी के लिए ये वजूद बचाने की लड़ाई है। भाजपा को हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में उनको उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। उनकी जितनी सीटें उन्होंने सोची थी 80 में 80 का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, उनका वो लक्ष्य तो पूरा हो नहीं पाया, बल्कि शाहरुख खान चित जरूर हो गए विपक्ष द्वारा। तो वैसे में विपक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं मान के चल रहा है कि हर हाल में ये 10 सीटें जीतनी है, और अगर बीजेपी की बात की जाए या अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। अगर अयोध्या की सीट की बात की जाए, मिल्कीपुर सीट की बात की जाए, सबसे ज्यादा विकास अगर भाजपा का मानना है कि उन्होंने कहीं कराया था तो उन्होंने अयोध्या में कराया था। ऐसे में जब उन्होंने वहां पर हार का सामना करना पड़ा, और अब जब मिल्कीपुर सीट की बात हो रही है कि वहां पर जब उपचुनाव है ना होना है, तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमाल संभाली है कि हर हाल में वहां पर जीत दर्ज करनी है, जिससे कहीं ना कहीं जनता के बीच वो संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ दिक्कतों का सामना किया तो उन्होंने किस तरीके से बैकफायर भी किया है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। कई सीटों को लेकर इस बार बीजेपी सीरियस है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी अगर पूरा मन बना के बैठी हुई है कि 10 की 10 सीटों पर हर हाल में जीत दर्ज करनी है। बिल्कुल, इसका तैयारी सबकी हो, और अब देखने को मिलेगा जमीनी स्तर पर कि आखिर किसकी तैयारी कितनी रंग लाती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बंगाल की घटना की, और आज इस मुद्दे पर देश भर में प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बंगाल की घटना पर, ममता सरकार की कार्यशैली पर साफ तौर पर बीजेपी निशाना साधेगी। तो जिस तरह की विभत्स घटना हुई थी, एक डॉक्टर जो कि अपनी ड्यूटी में थी और ड्यूटी के दौरान ही उसे शिकार बनाया गया
और उस बेटी ने अपनी जान गंवाई और इस घटना को लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बंगाल की घटना पर आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जिस तरह से एक गम है और दुख है क्योंकि उस बेटी ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में जहां एक और कमियां रही हैं सरकार की, राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता सरकार पर भी निशाना साध रही है।